नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल होना है। वैसे तो आज़ादी के बाद देश की स्थितियों में सुधार की पहल हुई, लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है। समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियां किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया। स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत व समूचा विश्व पितृसत्तात्मक समाज के ढांचे में रहता आया है। यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो उसका आशय ये नहीं है कि अब पितृसत्तात्मक समाज को बदलकर मातृसत्तात्मक समाज में बदल लिया जाए। भारत में पूर्वोत्तर की खासी व कुछ अन्य जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा देखी जाती है, जहां नारी की प्रधानता है। विश्व की कुछ जनजातियों जैसे चीन की मैसुओ, कोस्टा रिका की बिब्री जनजाति, न्यू गुआना की नागोविसी जनजाति मातृसत्तात्मक है। यह महिलाएं ही राजनीति, अर्थव्यवस्था व सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े निर्णय लेती हैं। यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज मात्र या पितृसत्तात्मक होने के बजाय इनसे निरपेक्ष हो तो एक बेहतर सामाजिक संरचना तैयार होगी और सही मायने में पुरुष स्त्री समान रूप से सशक्त होंगे। भारत सरकार ने भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल किए हैं, लेकिन समाज के हर स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है, चाहे वे सामाजिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो या आर्थिक भागीदारी हो, शिक्षा तक पहुंचे हो और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल भी हो। पूरे भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत गरीब पाया जाता है। कुछ महिलाएं सेवाओं और अन्य गतिविधियों में लगी हुई है, इसलिए उन्हें पुरुषों के साथ साथ खड़े होने के लिए समान आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है। बलात्कार, लड़की के अपहरण, दहेज प्रताड़ना आदि के न जाने कितने मामले हैं। इन कारणों से उन्हें अपनी सुरक्षा और अपनी पवित्रता और गरिमा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर ये देखा गया है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कम साक्षर पाई जाती हैं। इस प्रकार महिलाओं के बीच बढ़ती शिक्षा उन्हें सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक रूप से इतना कमजोर है कि वह अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन से अधिक काम करती है। एक और समस्या कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न है। संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक महिलाएं साथ नहीं आती और स्वयं को सशक्त बनाने में मदद नहीं करती। नारीकृत गरीबी को कम करनी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन और देश की महिला आबादी को सख्त बनाने के लिए बुनियादी संपत्ति बनाने की आवश्यकता है। और इसी पृष्ठभूमि में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजना जो महिला सशक्तिकरण के लिए दिल संकल्पित है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि। भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा, जो कि समाज की पुरुष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। जरूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाएं। उनको शिक्षित करें ताकि वे अपने व्यवसाय कर सके और अपने परिवार, समुदाय और देश के हित के लिए आर्थिक सहयोग दे सकें। इन सब के लिए भी जरूरी है कि उनके आत्मविश्वास को जीता जाए ताकि वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और एक सुनियोजित भविष्य बना सकें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।